वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल ट्रेडिफाई मी। आज का हम लोगों का प्राइस एक्शन रिलेटेड टॉपिक है ग्रेपस्टोन डोजी, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में ग्रेपस्टोन डोजी को लेकर डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बोला हुआ है कि डोजी कैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, एंड वो सब में से सबसे ज़्यादा मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट को शो करता है ग्रेपस्टोन डोजी। एंड ग्रेपस्टोन डोजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये डोजी फॉर्म होने के बाद ट्रेडर्स अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होने से ही किसी कैंडल को हम लोग ग्रेपस्टोन डोजी बोल सकते हैं। सबसे पहला है कि ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल का कोई रियल बॉडी नहीं होना चाहिए, एंड अगर रहता भी है तो बहुत छोटा रहना चाहिए, जो कि नेग्लिजिबल है। कैंडल का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड बॉटम प्राइस सेम होना चाहिए, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। एंड ये कैंडल यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर सेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है उधर आके ही सेशन क्लोज भी हुआ है, एंड वही प्राइस सेशन का लोएस्ट प्राइस भी है, मतलब कि प्राइस इस लेवल के और नीचे नहीं जा पाया। नेक्स्ट कंडीशन, इस ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल में अपर शैडो बहुत ही लॉन्ग होना चाहिए एंड लोअर शैडो नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर एकदम छोटा लोअर शैडो भी रहता है तो उसको भी हम लोग ग्रेपस्टोन डोजी बोल सकते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज मार्केट मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ट्रेडर्स ग्रेपस्टोन डोजी को कंसिडर करके शॉर्ट पोजीशन तभी ओपन करते हैं जब मार्केट प्रीवियस सेशंस में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मार्केट जब ऊपर जाता है तभी सिर्फ ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म कर सकता है, लेकिन ये कैंडल मार्केट में सेलिंग पावर को डिनोट करता है। एंड मार्केट जब ऊपर जा रहा है एंड एक रेजिस्टेंस जोन में आके ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म करता है, सिर्फ तभी हम लोगों को अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहिए। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या इन्फॉर्मेशन देता है। कैंडल का लॉन्ग अपर शैडो यही बताता है कि एज सून एज ये सेशन स्टार्ट हुआ है, बायर्स मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्राइस को पुश करके हाई पॉइंट तक लेके जाते हैं, लेकिन उस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होके बायर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड सेलिंग प्रेशर के वजह से प्राइस फिर से ओपनिंग प्राइस लेवल के पास आके क्लोज होता है, मतलब कि बायर्स इस प्राइस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है सेलर्स के सेलिंग प्रेशर के वजह से। ओवरऑल ग्रेपस्टोन डोजी यही शो करता है कि सेलर्स मार्केट में अभी बायर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंसिडर करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच हमेशा फाइट चलते रहता है। जब बायर्स जीतता है तो तब मार्केट ऊपर जाता है, एंड जब सेलर स्ट्रांग रहता है तो मार्केट नीचे गिरता है। कैंडलस्टिक्स हम लोगों को इसी फाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि करेंटली मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो तीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडल्स को ही हम लोग ग्रेपस्टोन डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे कैंडल्स के पीछे ही ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है कि करेंटली मार्केट में सेलर्स बायर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हॉरिजॉन्टल या फिर डायनामिक रेजिस्टेंस जोन में ऐसा कैंडल्स बनता है तो उसको कंसिडर करके शॉर्ट पोजीशन ओपन किया जा सकता है। ये चार्ट पे आप देख सकते हैं कि पहले बायर्स सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसके वजह से प्राइस ऊपर जा रहा था, देन एक रेजिस्टेंस जोन में आके ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म होता है, एंड इसका मतलब है कि पिछले कुछ सेशंस में हारने के बाद पहली बार इस पर्टिकुलर सेशन में सेलर्स बायर्स को हरा दिया है, जो कि मार्केट में सेलर्स लोगों का फिर से एक्टिव होने का फुटप्रिंट्स को शो करता है, एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है। फाइनली प्राइस नीचे गिरने लगता है। सेम सिनेरियो आपको ये चार्ट में भी दिखने को मिलेगा, जहां प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था एंड एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने के बाद ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्म करता है एंड उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगता है। वी होप के ग्रेपस्टोन डोजी का फुल स्ट्रक्चर एंड ये कैंडल मार्केट में फॉर्म होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको करेक्टली कैसे रीड करना है, वो डिटेल्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिला होगा। ऐसे ही प्राइस एक्शन रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हम लोग के साथ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।